मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, यह पवित्र धरती है, यह जगन्नाथ की धरती है। मैं नवीन भाई से पूछना चाहूंगा, मैं नवीन पटनायक जी से पूछना चाहूंगा कि यह रत्ना भंडार जो लॉर्ड श्री जगन्नाथ का है, उसको क्यों नहीं सुरक्षित रखने का काम उड़ीसा की सरकार कर रही है? कहां है उस भंडार की चाबी? क्यों उसका संरक्षण नहीं हो रहा है? और इसकी ओरिजिनल चाबी कहां गुम हो गई है? इसका जवाब हमारे बीजू जनता दल के नवीन बाबू को देना होगा। उसी तरीके से मैं यह भी चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि मैं उड़िया यूनिवर्सिटी खोलूंगा 4 साल के अंदर, आज 5वां साल बीत रहा है, कहां है आपका वायदा? एक तरफ हम खोलते हैं, मोदी जी खोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर, एक तरफ हम खोलते हैं साइंस सेंटर, एक तरफ हम खोलते हैं स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हम आपको केंद्र सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूट देते हैं, एक नहीं अनेक देते हैं। आप बताइए, वाजपेयी जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, आपको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस दिए कि नहीं दिए? आप बताइए, हमने आपको इंजीनियरिंग कॉलेज दिए कि नहीं दिए? लेकिन नवीन बाबू ने वायदा किया कि हम आपको एक यूनिवर्सिटी देंगे, 5 साल बीत गए वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। उसी तरीके से अगर हम कहें ये न्यायगढ़ का जो शुगर मिल है, वायदा किया था कि नहीं किया था कि खोल देंगे? कहां हुआ, क्या हुआ उस शुगर मिल का? और वहां के जो न्यायगढ़ के हमारे मुलाजिम भाई हैं, वो अपनी तनख्वाह के लिए, और जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने वहां अपना गन्ना पहुंचाया, उनका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। ये कैसी सोई हुई सरकार है? ये सरकार चला कौन रहा है पता नहीं चलता, कौन चला रहा है मालूम नहीं। आपकी तालियां बताती है कि मेरी बात सच्ची है। आप ये कैसी सरकार चल रही है? और उसी तरीके से अब देखिए, वो नाम मैं तो नहीं ले सकता लेकिन आपने लिया, ये जनता की आवाज है। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ, सुनाई दे गया मेरे को पता चल गया, इंक्वायरी करूंगा इसकी। समय स्रोत रे भासी चले जीवन, केतेबेले सुख संपद तो केतेबेले दुखाउज, जीवन गतिपथ को जानिया पाई मो सहित देखंतु आमर लाइव प्रोग्राम समय चक्र।